And good evening to all. Now we start chemistry. Write down next heading, characteristics of proton. Characteristics of proton. First point is that mass of proton. जब ये मालूम चल गया कि एनोड रे में एक पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स का नाम दिया गया प्रोटॉन, तब उसके बारे में मास मालूम किया गया, मास कितना है। तो मास जो है इसका, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 times of the diet of an electron, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का मास है उसका 1837 times ज्यादा होता है as compared to mass of electron. Relative mass of proton is equal to relative mass of proton. Relative mass of proton will be equal to 1.005757 AMU. AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट AMU, which will be taken will be equal to 1 AMU. The absolute mass of proton is 1.672 × 10⁻²⁴ gram. The absolute mass of proton is 1837 times is larger than mass of electron, and relative mass of proton will be equal to 1.005757 AMU, atomic mass unit, which is taken will be equal to 1, yani hum mass unit mein 1 unit lete hain, aur absolute mass jo hai 1.602 × 10⁻¹⁴ gram. ग्राम में लेना होगा तो ये लेंगे हम, AMU में लेते हैं यानी यूनिट में लेते हैं तो ये लेते हैं, वन यूनिट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नीट्यूड वाइज जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा वही प्रोटॉन का होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो हम लिखेंगे इसमें कि चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल एंड अपोजिट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट
साइन, बट अपोजिट साइन। तो हम लिखेंगे चार्ज कैरिड ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू चार्ज कैरिड ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू विल बी इक्वल टू 1.672 इंटू 10^-24 ग्राम, सॉरी विल बी इक्वल टू 1.602 इंटू 10^-19 कूलम, सी फॉर कूलम। और इसको बोला जाता है वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, दैट इज नोन एज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है P1 और 1। तो ये दो पॉइंट हमारा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स में। फर्स्ट पॉइंट इज दैट मास ऑफ प्रोटॉन जो है वन एएमयू होता है, और 1.672 × 10^-24 ग्राम होता है, जो कि 1837 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। और चार्ज के बारे में हम बात करें तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है वही चार्ज इस पे भी होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव होता है। तो चार्ज किसके बराबर होगा, 1.602 × 10^-19 कूलम, सी फॉर कूलम। और इसको वन पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, प्लस वन बोला जाता है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट, हैव एनी डाउट? ओके, तो एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सर्च अभी तक हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। और उस पे साइंटिस्ट ने चार्ज का वैल्यू और मास का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया है। और उन्होंने ये बताया कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए एटम जो होता है न्यूट्रल चार्ज होता है। लेकिन अब अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई चीज पता नहीं लगा पाया था कि न्यूट्रॉन भी है इसके अंदर। तो न्यूट्रॉन के बारे में कैसे लोगों ने सोचा, तो उनको मास के बेसिस पे समझ में आया कि एक्चुअली जो है हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक ऐसा ही एलिमेंट होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन लिथियम और लेके देखा गया कि लिथियम का मास जो है उसके अंदर 3 प्रोटॉन है, ये तब तक सर्च हो चुका है कि 3 प्रोटॉन है, लेकिन मास 6 आ रहा है। और अगर हम मास के बारे में बात करें तो लिथियम के अंदर केवल 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है तो हम काउंट करते नहीं है, तो मास 3 होना चाहिए। गया क्या? ओ मिनिमाइज हुआ। तो लिथियम का मास 6 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए तो प्रोटॉन 3 ही है तो उसका 3 यूनिट मास होना चाहिए। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकाला गया कि एटम के अंदर अभी कुछ ना कुछ और भी है और उसका चार्ज क्या है, चार्जलेस है,
क्योंकि अब तो न्यूट्रल हो चुका है, अब कोई भी अगर आएगा तो चार्ज क्रिएट कर देगा, तो ये जो प्रिंसिपल था कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, फिर से वो फेल हो जाता। तो मास के बेसिस पे कि मास इसका 6 कैसे आ गया, लिथियम का प्रोटॉन 3 है तो मास 3 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा होता है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, नेग्लिजिबल है उसका मास, तो लिथियम का मास 3 होना चाहिए, लेकिन लिथियम का मास 6 क्यों है? तब उस समय लोगों को ये बारे में मालूम नहीं चला कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, तब इसके बारे में सर्च हुआ तब मालूम चला कि इसके अंदर एक तीसरा भी सब एटम है जिसको न्यूट्रॉन बोला गया, और ये सेटअप जो है वो इसके जैसा नहीं बनाया गया, कैथोड रे और एनोड के जैसा नहीं बनाया गया, उस पर बम्बार्डमेंट कराया गया, तो हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले दिमाग में ऐसे आया कि न्यूट्रॉन भी नाम का कोई चीज है, मास के वजह से दिमाग में आया कि मास कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, मास 6 आ रहा था, प्रोटॉन 3 थे तो मास 6 कैसे आ गया, तो इसीलिए दिमाग में आया कि इसके अंदर कोई ना कोई अभी पार्टिकल्स है जिसपे कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है, तो ऐसे करके वो दिमाग में आया कि न्यूट्रॉन का सर्च ऐसे हुआ। तो हम हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, राइट डाउन हेडिंग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे, अंटिल 1920 मतलब 1920 तक, अंटिल 1920 एन एटम वाज सपोज्ड टू कंसिस्ट, एन एटम वाज supposed to consist of only two fundamental particles, only two fundamental particles example proton and electron और ये भी मालूम चल गया था इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास द सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एटम वाज regarded as the mass of proton only, the center of mass of an atom was regarded as the mass of proton only, as the mass of proton only. Rutherford found that except from hydrogen atom, Rutherford found that except for hydrogen atom, the atomic mass of no other element, the atomic mass
ऑफ नो अदर एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट कुड बी एक्सप्लेन, कुड बी एक्सप्लेन could be explained by electron and proton only, by electron and proton only. For example, lithium ions has three proton. For example, lithium ions have three proton in the nucleus of the atom. Three proton in the nucleus of the atom. Nucleus of the atom. Therefore, the mass of lithium atom must be. Therefore, therefore, the mass of lithium atom. The mass of lithium atom, the mass of lithium atom must be thrice the mass of the proton, must be thrice the mass of proton. But the mass was actually 6 times the mass of proton. But the mass of lithium is 6 times the mass of proton. To solve this problem, Rutherford predicted. आगे लिखेंगे पहले इसे नोट डाउन कर लो. तो लिसन हियर, प्रोटॉन का सर्च कैसे हुआ न्यूट्रॉन का. 1920 तक लोगों ने यह माना कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है. तो एन एटम वाज सपोज्ड consist of two fundamental particles, proton and electron. 1920 तक लोग ये मान के रहते थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. तब तक लोगों को न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था. और ये भी जानते थे लोग कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है 1837 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. ठीक है, तो डेट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स का मास था वो नेग्लिजिबल था. और लोग ये भी मालूम था, दी सेंटर ऑफ मास ऑफ एटम वाज रिगार्डेड द मास ऑफ प्रोटॉन. लोग ये बोलते थे कि जो मास है उस एटम का वो सेंटर में है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसका मास नेग्लिजिबल है.
तो रदरफोर्ड वाज फाउंडेड एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। रदरफोर्ड को क्या मिला? हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और जीरो न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका मास जो होता है वो वन होता है, मास वन यूनिट होता है। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इसका मास है, जितना प्रोटॉन है उतना ही मास है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो जीरो है इसके पास। तो रदरफोर्ड को क्या मिला, एक हाइड्रोजन को छोड़ के द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का मास जो है कुड बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। जो इसका मास था could be explained on the basis of electron and proton only। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है अदर एलिमेंट उनको इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे उनको सर्च करना स्टार्ट किया। तो क्या मिला उसको, फॉर एग्जाम्पल लिथियम आयंस हैज थ्री प्रोटॉन, लिथियम के पास तीन प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में ऑफ द एटम, देयरफॉर मास ऑफ लिथियम कितना होना चाहिए था, थ्री टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए था, क्योंकि जब न्यूट्रॉन मालूम ही नहीं था तो जो तीन प्रोटॉन थे तो थ्री टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए था, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल माना जाता है, बट मास ऑफ एक्चुअली सिक्स टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन उसको क्या मिला कि लिथियम का जो मास है वो सिक्स टाइम्स है, जबकि एक्चुअल में लिथियम में तीन प्रोटॉन होते हैं तो केवल थ्री यूनिट होना चाहिए लेकिन सिक्स यूनिट हो रहा है। तो अब यहां पर क्या आ गया, कॉन्ट्रेडिक्ट आ गया। हाइड्रोजन को छोड़ के ऐसा बहुत सारी चीजों में देखा गया कि मास लगभग डबल आ रहा है, ट्वाइस टू टाइम्स आ रहा है, जैसे लिथियम का मास एक प्रोटॉन तीन है लेकिन सिक्स मास जो है वो सिक्स आता है, इसका सिक्स यूनिट आता है। इसका मतलब एक कंक्लूजन कॉन्ट्रडिक्ट आ गया, जब प्रोटॉन तीन है तो तीन यूनिट आना चाहिए था, सिक्स यूनिट क्यों आ रहा है, और हम इलेक्ट्रॉन्स का तो मास लेंगे नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमने नेग्लिजिबल माना है, इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल है। तो यहां पर बात में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो एक बार चार्ज में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया था, जब इलेक्ट्रॉन का सर्च हुआ था तो चार्ज में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया था कि एटम न्यूट्रल कैसे है, तब समझ में आया कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है, वही उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन जब मास में कॉन्ट्रडिक्ट आ गया कि लिथियम का मास जो है वो थ्री होना चाहिए लेकिन सिक्स होता है, अब यहां कॉन्ट्रडिक्ट मास में आ गया, तब समझ में आया कि इसके अंदर एक और पार्टिकल्स है, इसके अंदर एक और पार्टिकल्स है जो न्यूट्रल है, जिसमें चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है। तो इस कॉन्ट्रडिक्ट को, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए अब एक नया साइंटिस्ट आएगा, इंट्रोड्यूस हो करेगा, और वही इंट्रोड्यूस होगा तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताएगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आया। तो यहां तक जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने आपको बताया, ये आइडिया दिमाग में आया कि लिथियम का मास थ्री होना चाहिए लेकिन सिक्स होता है, तो इस कॉन्ट्रडिक्ट के वजह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका रीजन बन गया कि न्यूट्रॉन्स भी नाम का इसमें कोई चीज है, यानी कोई एक और थर्ड पार्टिकल्स है जिस पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास है, इस वजह से इसका मास थ्री नहीं होकर सिक्स हो रहा है। तो अभी तक ये हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में चीजें अभी आइडिया आया, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट आया। जब तक थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं आएगा तब तक हमें न्यू आइडियोलॉजी आएगा नहीं। तब साइंटिस्ट इसके सर्च करने लग गए कि रीजन क्या है कि लिथियम का मास थ्री नहीं आके सिक्स क्यों आ रहा है, एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो समझ में आ गया। तो दो ही पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को कैंसिल कर रहे थे लेकिन मास को क्यों नहीं वो इक्वल हो रहा है, मास थ्री टाइम्स क्यों नहीं आ रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए, तो टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, आगे मैं कर रहा हूं, रदरफोर्ड
predict the presence of another type of predicted the presence of another type of the presence of another type of particle which must be in it electrical neutral which must be electrically neutral which must be electrically neutral and has mass almost equal to has mass almost equal to that of a proton. तो रदरफोर्ड ने इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया कि हो ना हो उसमें कोई एक तीसरा पार्टिकल जरूर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है लेकिन उसका मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर है, तभी जो है उसका ये 3 times नहीं आके 6 times आ रहा है। तो ये तब तक आइडियोलॉजी कब तक काम था, ये 1920 की बात है। अब टाइम आ गया 1932 यानी आफ्टर 12 ईयर। तो इन 1932 जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया। बॉम्बार्ड द एलिमेंट बेरिलियम बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं 2 और 4 से। तो बेरिलियम का मास एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास 9 है। जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया गया जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास 4 है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर उसका चार्ज 2 होता है और मास 4 होता है। जब बॉम्बार्डमेंट कराया गया तब यहां पर कार्बन उसको दिखा, कार्बन 12 और ये 6, 4 और 2 6, लेकिन 9 और 4 13 होना चाहिए लेकिन 13 नहीं है। तो वहां पर एक और पार्टिकल्स दिखा उसको जिसका मास 1। तो इसी को उसने बोल दिया, ही ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद मैं आगे लिख रहा हूं, पहले इसमें लिख लो। तो सबसे पहले 1920 में रदरफोर्ड इस चीज को ऑब्जर्व किया कि आखिर लिथियम का मास 3 होना चाहिए क्योंकि 3 प्रोटॉन है लेकिन मास 6 क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट आने लग गया। तब ये दिमाग में आइडियोलॉजी आया कि हो ना हो इस एटम में कोई एक तीसरा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज तो नहीं है क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज को बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कर रहे हैं लेकिन उसका मास जरूर है। इस बात को आइडियोलॉजी किसके दिमाग में आया, रदरफोर्ड को आया। तो आफ्टर दैट 1932 चैडविक ने क्या किया, एक एटम पकड़ा और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया, मतलब कोलिजन करवाया। तो बेरिलियम को लेके और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का कोलिजन करवाया। कोलिजन के बाद उसको एक रेडिएशन मिला, लाइट देखने को मिला। तो उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी कैसे आया और कैसे सर्च हुआ, तो आइडियोलॉजी रदरफोर्ड को आया और सर्च किया जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन्स का सर्च जेम्स चैडविक को माना जाता है। तो जेम्स चैडविक ने जब इस बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया तो क्या ऑब्जर्व किया,
तो he observed the emission of radiation with the following properties. तो उसको एक रेडिएशन दिखा, एक लाइट निकला निकलता हुआ दिखा. लाइट वाज हाईली पेनिट्रेटिंग द रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब होता है बहुत तीखा, मतलब किसी को भी होल ओवर कर देगा. ये रेडिएशन रिमेन अनइफेक्टेड in an electric field and magnetic field. मतलब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था. दैट मीन्स रेडिएशन वाज न्यूट्रल. रेडिएशन क्या था? न्यूट्रल था. और उसके बाद ये भी मालूम चला कि उस रेडिएशन के पास उसका मास उतना ही है जितना मास प्रोटॉन का होता है. तो चार्ज के बारे में तो मालूम चल गया कि चार्ज नहीं है उसके पास, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट नहीं डाल रहा था. लेकिन जो पार्टिकल्स था, the particles constituting the radiation had the same mass as that of proton. The relative mass of proton such as relative mass equal to 1 mu or absolute mass 1.6 into 10 to power minus 24 gram or electrically neutral था. और उसको क्या बोल दिया गया? ये प्रोटॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन है. ये क्या है? न्यूट्रॉन है. तो 1932 में बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का कोलिजन कराया गया, बम्बार्डमेंट कराया गया. उसमें एक रेडिएशन निकला और उस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया गया. तो रेडिएशन जो था वो हाईली पेनिट्रेटिंग, मतलब तीखा, किसी को पेनिट्रेट कर सकता था. रेडिएशन वाज अनअफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी पे इफेक्ट नहीं डालता था. दैट मीन्स रेडिएशन वाज न्यूट्रल. और उसका जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर था और वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था. और उसके अंदर जो पार्टिकल्स मिला उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया. तो दैट पार्टिकल्स इज नोन एज न्यूट्रॉन. हैव यू एनी डाउट हाउ टू डिस्कवर
इलेक्ट्रॉन हु इज डिस्कवर न्यूट्रॉन सॉरी हाउ टू डिस्कवर न्यूट्रॉन हाउ टू आइडियोलॉजी एंड व्हाट विल बी मास ऑफ न्यूट्रॉन व्हाट विल बी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो इस तरह से अब समझ में आया कि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों है, और तब समझ में आया कि मास कैसे उसके सिक्स टाइम्स कैसे हो जा रहा था, यानी लिथियम का मास सिक्स टाइम्स कैसे हो जा रहा था। तो तब समझ में आया कि उसके अंदर एक तीसरा पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन, उसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर था, वही उसको सिक्स टाइम्स बना रहा था। चलो ओके, थैंक्स टू ऑल। सो नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम ऑब्जर्वेशन भेज देना, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।